एक एक सीढ़ी एक एक कड़ी मेहनत से चढ़ी है, उसका फल आज हमारे मामा जी को हम सबको मिला है, क्योंकि उनने और ईमानदारी से बहुत ईमानदारी से करा है देश के लिए काम, तो उसका फल उनको मिला है। आपके दिल में कभी ऐसा सोचा भी था अपने सपने में? हाँ, हमने सोचा था। हाँ, मेहनत किया था, भगवान ने फल दिया है और मेहनत करेंगे आगे चल के। बड़ी बहन दीदी है? हाँ, बड़ी दीदी हूँ जी। बताइए आपको किस प्रकार से महसूस हो रहा है? अरे बहुत खुशी हो रही है हमारे भाई जीता तो, और सभी का करते हैं और बहुत तरक्की करेंगे और आगे भी बहुत तरक्की करेंगे। वो ये सब बाबा महाकाल महाकाल की कृपा है। बाबा महाकाल की कृपा है, महाकाल की कृपा से बहुत आगे बढ़ रहे हैं। महाकाल कितने बड़े भक्त थे? महाकाल तो बहुत बड़े भक्त थे। महाकाल तो जब यहाँ उज्जैन आते तो महाकाल तो जाना होता ही था उनका भी। हाँ हाँ, अभी सुबह भी महाकाल होकर ही आया। ये इनकी बड़ी बहन है कलावती यादव जी। दीदी आप बताए जी, कितनी खुशी आपको? खुशी तो है ही, भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत मिली और पार्टी का आशीर्वाद। क्या आपने कल्पना भी की थी इससे? भगवान महाकाल का आशीर्वाद है, पार्टी का आशीर्वाद है, और निश्चित रूप से बहुत खुशी की बात है। उन संघर्ष भी बहुत है, 1984 से सतत काम किया है भारतीय जनता पार्टी का, और हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में राष्ट्रीय स्तर तक काम किया है और सतत काम किया है। निश्चित रूप से उसका परिणाम है, बड़ों का आशीर्वाद है, पार्टी का आशीर्वाद है और बाबा महाकाल का आशीर्वाद। उनकी दिनचर्या क्या हुआ करती थी बाबा महाकाल को? हैं? बाबा महाकाल को लेकर दिनचर्या क्या हुआ करती थी उनकी? बाबा महाकाल को लेकर जब भी उज्जैन में आते थे बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेते थे। कल भी बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेकर गए हैं यहाँ से। बिल्कुल बाबा महाकाल के और बाबा सभी की, देवी देवताओं की और पार्टी के वरिष्ठों की ये जीत है, और पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उनको अपनी जिम्मेदारी दी गई है। ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। निश्चित रूप से इस जिम्मेदारी को मिलने से हम सब बहुत प्रसन्न हैं। विद्यार्थी परिषद से ही राष्ट्रीय स्तर तक काम किया है। उनकी गुड़िया बहुत छोटी थी, इतनी बड़ी गुड़िया उनकी बेटी का बालक है, वो बेटी बहुत इतनी बड़ी थी। तब शिवा भैया विधायक हुआ करते थे, उन्होंने कहा मोहन तेरी गुड़िया घुटने चलती है कि नहीं चलती है? तो भैया बोले, भैया मैं जब निकलता हूँ घर से वो सोई रहती है, मैं पहुँचता हूँ तब वो सोई रहती है, तो मैं घर पहुँच के देख के बताऊंगा। ऐसी बिना किसी पद पे रहे भी वो इतने व्यस्त और प्रवास में रहते थे, निश्चित रूप से पार्टी का काम करते थे।